नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ अरुणम जहां से वीडियो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की दस्तक है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है, एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तंजानिया की ट्रेवल हिस्ट्री सामने आई है, तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है भारत में भी, और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, एक मरीज यहां पर संक्रमित मिला है, और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, क्योंकि थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन ने यहां पर दस्तक दे दी है और ओमिक्रॉन का पहला मरीज दिल्ली में मिला है, एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है मरीज को, और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करें, क्योंकि एक बार फिर से अब आंकड़ों में इजाफा साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो लगातार ये बड़ी खबर, दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की दस्तक देखने को मिली, ओमिक्रॉन का पहला मरीज दिल्ली में मिला है, एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर लगातार इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। एलएनजीपी अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है और लगातार इलाज जारी है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा घातक है, खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएँ लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में मरीज को एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लगातार अब वहाँ पर क्वारंटाइन में रखा गया है मरीज को। तो एक बार फिर से भारत में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन ने अब पूरे दुनिया में तबाही मचा दी है, लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है, और ऐसे में लगातार एक बार फिर से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है।